सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते समय सबसे ज्यादा जरूरी है हेलमेट पहनना, वो भी सिर्फ काम चलाऊ हेलमेट नहीं बल्कि ISI मार्क लगा हुआ हेलमेट। अगर आप ये सोचते हैं कि सड़क पर बाइक या स्कूटी लेकर निकलते वक्त कैसा भी हेलमेट पहन लिया जाए तो आप गलत हैं, क्योंकि जून 2019 में लागू हुए नियमों के तहत दोपहिया वाहन चालक के लिए ISI मार्क का हेलमेट पहनना बहुत जरूरी हो गया है। दरअसल नकली हेलमेट सिर्फ देखने में सुरक्षित लगता है, अगर कोई दुर्घटना होती है तो चालक का उससे किसी प्रकार का कोई बचाव नहीं होता। नकली हेलमेट सड़क या किसी अन्य वाहन से टकराता है तो तभी टूटकर बिखर जाता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जून 2019 में नया कानून लाया गया और इस कानून में नकली हेलमेट पहनने वालों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं एक नामी कंपनी के ऑथराइज्ड हेलमेट डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि अगर आपको ओरिजिनल हेलमेट खरीदना है तो हमेशा आप कंपनी के ऑथराइज्ड डीलर शोरूम से ही खरीदें, क्योंकि वहां पर जो हेलमेट बिकने के लिए आता है वो पूरी जांच में सफल रहने के बाद आता है। उन्होंने कहा कि अगर आप ओरिजिनल हेलमेट खरीद रहे हैं तो उसका बिल जरूर लें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे हेलमेट भी बिक रहे हैं जो दिखते तो ओरिजिनल जैसे ही हैं लेकिन वो होते नकली हैं। इसका जो है अच्छे ब्रांड का हेलमेट लेना चाहिए, रिप्यूटेड ब्रांड का हेलमेट लेना चाहिए और दूसरा GST वाला बिल लेना चाहिए, जिससे कल को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो उसकी पहचान हो सके। और हाई क्वालिटी का हेलमेट लेना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का अच्छा ब्रांड का हेलमेट। सर हेलमेट ये होता है, ये अच्छे से अच्छे एक्सीडेंट में जो इम्पैक्ट सर पे होता है उसको सहन कर लेता है और इसकी विजिबिलिटी शीशे वगैरह की बहुत अच्छी होती है। लोकल हेलमेट तो उसमें आपको दिखेगा ही कुछ नहीं, चार दिन बाद ही उसका शीशे में इतने स्क्रैच पड़ जाएंगे आपको दिखेगा ही कुछ नहीं, और वो तो हाथ से छूटने पर टूट जाएगा आपका। ISI जो बाजार में डुप्लीकेट बिक रही है, ये जो है थोड़े से पैसों का लालच ना करा जाए, अच्छे ब्रांड का हेलमेट पक्के बिल पे लेके और उसको यूज करा जाए। वहीं सड़क किनारे हेलमेट बेचने वालों का कहना है कि यहाँ ज्यादातर लोग पुलिस से बचने के लिए लोकल ब्रांड का हेलमेट खरीदने आते हैं, लेकिन जिसे अपनी जान की फिक्र होती है वो रुपए बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ओरिजिनल हेलमेट ही खरीदता है। यहाँ के लोगों की जो लोकल लोग आते हैं वो तो सब लोकल हेलमेट ही मांगते हैं, 150 से 200 के करीब में रेंज में दिखा दो, ज़्यादा ज़्यादा हद हो जाती है तो उनकी 300-400, इससे ऊपर की रेंज के हेलमेट वो लेते नहीं है जानबूझ के ही। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जो लेते हैं हेलमेट पुलिस से बचने के लिए लेते हैं सिर्फ एक, और अदरवाइज़ जो लोग ओरिजिनल ब्रांड लेना चाहते हैं, मतलब ओरिजिनल स्टेड स्टील वर्ड किसी भी वेगा वगैरह का लेना चाहते हैं, तो वो पैसे वैसे नहीं देखते, वो चीज़ देखते हैं और जो उनको रेट बता दो MRP से उससे 10-20 रुपए कम करके खुद ही दे जाते हैं, उन्हें पता है कि इससे कम में कहीं मिलने का नहीं है। हालांकि कुछ लोग जागरूक भी दिखाई दे और उनका मानना है कि वो कुछ रुपए बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे और दोपहिया वाहन चलाते समय ISI मार्क का हेलमेट भी पहनेंगे। हमने लोकल हेलमेट भी लेकर देख लिया, कल परसों हम बारिश की वजह से रिपटन की जगह पे रिपट गए तो हमारा जो लोकल हेलमेट था वो फट गया था। हमें चोट तो नहीं लगी पर महसूस ये हुआ कि हम 2 रुपए के चक्कर में बढ़िया हेलमेट लेना चाहिए हमें, हम लोकल सस्ती चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, अपनी जान है तो सब कुछ है, नहीं कुछ नहीं है संसार में। जून 2019 में लागू हुए नए कानून के मुताबिक अगर कोई भी शख्स बिना ISI मार्क का हेलमेट बनाता है या उसकी खरीद या बिक्री में लिप्त पाया जाता है तो उसे 1 साल तक की कैद और न्यूनतम 1,00,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। ये जुर्माना 5,00,000 रुपए तक भी बढ़ाया जा सकता है। अगर पुलिस ध्यान से हेलमेट की चेकिंग करे तभी नकली हेलमेट पर रोक लग सकती है। हालांकि फरीदाबाद में नकली हेलमेट को लेकर अभी तक कोई चालान नहीं किया गया है, लेकिन बिना हेलमेट वालों के जमकर चालान किए जाते हैं। फरीदाबाद सिटी भारत के लिए रुस्तम जाखड़ की रिपोर्ट।